शाहरुख, यू नो दिवाली पे, दिवाली के शुभ अवसर पे एक तूफान आने वाला, एक जलजला आने वाला है जिसका नाम है रावण। मैं इस फिल्म को एक फिल्म नहीं समझता बल्कि एक इवेंट समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तरन कि जब भी आदमी कोई फिल्म बनाए, कोई भी डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, और जब खुदा ने ऐसा नवाजा हो कि 10-12 साल से फिल्में बनाने का मौका मिल रहा है, तो दिवाली का मौका हो, ईद का मौका हो, क्रिसमस का हो या कोई भी फ्राइडे हो, आई थिंक ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम फिल्म को लोगों तक ऐसे पहुंचाएं कि उन्हें लगे कि आज ये जो है कुछ सेलिब्रेशन का टाइम है। ऑफ कोर्स उसके बाद जब जाकर देखें तो और भी खुशी हो। सो आई बिलीव यस, एवरी फिल्म ऑफ एनी स्टैचर, एनी फिल्म, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, अच्छी हो, बुरी हो, आई थिंक लोगों को उसको प्राइड से देना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट यू नो, जैसे जैसे रिलीज डेट नज़दीक आती जाएगी, आपकी दिल की धड़कनें तेज होती जाएगी। डू फ्राइडेज केयर यू इन दिस केस? क्या वेनसडे, जिस दिन ये फिल्म रिलीज होने वाली है, क्या उस वेनसडे से आपको थोड़ी नर्वसनेस महसूस हो रही अभी से ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं है। लोग शायद मानते नहीं हैं, मुझसे सब पूछते हैं कि यार थोड़ा तो कुछ होता होगा। हाँ जी, मैं जब पिक्चर शुरू करता हूँ तब बहुत होता है, इसलिए मैं थोड़ा वक्त लगाता हूँ फिल्म के लिए हाँ कहने में या शुरू करने में। इट्स लाइक द डिसीजन हैज़ बीन मेड टू हैव अ बेबी, एंड दैट डिसीजन इज़ द बिग वन, कि अब हम जो है एक दुल्हन तैयार कर रहे हैं, एक लड़की को तैयार कर रहे हैं, एंड यू हैव टू देन बिलीव कि उसको अच्छी तरह से पालो, पोसो, बड़ा करो, मिक्सिंग अच्छी कर दो, साउंड अच्छी कर दो, टेक्निकल अच्छा कर दो, पढ़ाई अच्छी कर दो, एजुकेशन अच्छी कर दो, एंड फिर ये बिलीव करो कि जो दुनिया में ये जाएगी इतनी अच्छी है कि अपना नाम खुद कमाएगी। एंड ऑन फ्राइडेज नॉर्मली व्हाट आई डू तरन इज, जिस दिन पिक्चर रिलीज होती है मैं 2:30-3 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ मैं 1.5 घंटे के लिए, मैं पानी के नीचे खड़ा रहता हूँ ऐसा, और वो फिल्म को अपने जिस्म से, अपनी आत्मा से निकालने की कोशिश करता हूँ, और सैटरडे को अगले काम पर लग जाता हूँ। तो मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं है, अब ये मेरी रही नहीं, जब मैंने बनानी शुरू की थी ये मेरी थी, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ये मेरी है। जिस दिन ये फ्राइडे होता है फिर ये औरों की है, तो अब उस पर नर्वस होना, अब और दूसरे नर्वस होने चाहिए कि वो अंदर जा रहे हैं और कहें कि यार आई होप अच्छी हो, शाहरुख ने बनाई है इतने प्यार से, तो मुझे नर्वसनेस नहीं होती। ऑफकोर्स एंग्जाइटी रहती है कि अब उम्मीद है लोगों को अच्छा लगे, खुशी हो, बट नर्वसनेस नहीं होती मुझे।